नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बालाघाट जिले के लांजी थाना पुलिस ने गौ तस्करी करने वाले चार गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि दो ट्रकों में 3 दर्जन से ज्यादा गौवंशों को भरकर महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। पुलिस ने गौ तस्करों को गिरफ्तार कर 39 गौवंश समेत 2 ट्रकों को जब्त किया है। बालाघाट पुलिस द्वारा गौवंश तस्करी रोकने हेतु तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत पशुओं को क्रूरतापूर्वक ले जाते हुए आरोपियों से पकड़ा गया। लांजी पुलिस को मुखबिरों द्वारा सूचना मिली थी कि गौ तस्करों द्वारा 2 ट्रकों में गौवंश को तस्करी की नियत से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। इस सूचना पर पुलिस ने दिघोरी शिव मंदिर के पास जंगल में 2 ट्रक देखे, जिस पर घेराबंदी करके ट्रक को रोका तो ट्रक में 3 दर्जन से ज्यादा गौवंश भरे हुए दिखाई दिए। जब इस मामले में चारों युवकों से पूछताछ किया गया तो कोई दस्तावेज नहीं दिखाया गया, जिस पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 ट्रक समेत 39 गौवंश को जब्त किया है। बहरहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और भी खुलासे होने की उम्मीद है। विदित हो कि बालाघाट जिले में सीमावर्ती महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी की जाती है, जो बॉर्डर के रास्ते से महाराष्ट्र नागपुर कत्ल खाने पहुंचाई जाती है। हमें मिले हैं जिसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 39 गोवंश और 2 ट्रक जो कि महाराष्ट्र पासिंग के हैं, घटनास्थल से जब्त किए गए हैं। इसमें विवेचना जारी है और इसमें इसकी चेन का हम लोग पता लगाएंगे कि ये कहाँ लेके जा रहे थे गौ तस्करी के साथ ही। इसमें जो महाराष्ट्र की जो गाड़ियां हैं उसमें अगर इनकी संलिप्तता पाई जाती है और नागपुर और जहाँ की भी गाड़ियां रहेगी वहाँ जाकर पता करेंगे, और इसमें अगर चेन में अगर महाराष्ट्र के आरोपी मिलते हैं तो निश्चित तौर पर उनको भी इसमें मुलजिम बनाया जाएगा। और गौ तस्करी को लेकर चूंकि पुलिस अधीक्षक महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं, किसी पर कृषि किसी